बच्चे भी अभी उठ चुके हैं और अभी हो रहे हैं 7:30, और फटाफट से मैंने ये बना लिया था। कितनी देर में, 7:45 स्टार्ट हुई थी और फटाफट से ये सब काम कर लिया मैंने। और साहिबा को मैंने उठा दिया अभी फटाफट से, बच्चे दोनों ही उठ गए, हाँ सोम भी उठ गया, और ये भी नहा धो लेंगे। हस्बैंड आज ऑफिस जाएंगे, इनको मंदिर में प्रसाद चढ़ा के फिर इनको भी खिला दूंगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया। फिर ये रह जाते हैं, फिर रात को पहुंचेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होता, ये लोग ना खाएं तो, है ना, हस्बैंड लोग नहीं खाएं तो अपना दिल नहीं मानता फिर। तो प्रसाद चढ़ा के फिर बना के बच्चों को दे के, पापा को दे के, पूजा वूजा करके, फिर आज मुझे बहुत सारा काम है। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा फोल्ड करने वाले बचे हुए हैं, 2 दिन से मैंने फोल्ड नहीं किया है लिटरली मैं बताऊं तो। और घर पूरा साफ करना है मेरे को, सफाई का ज्यादा काम नहीं है, बस ये सामान जो इधर उधर पड़ा हुआ ना बस वही करना है। और नहा मैं ली हूं, सिर नहीं धोया मैंने, कल ऑयलिंग करी थी थोड़ी सी, तो बस अभी फटाफट से ये लगा लेती हूँ, पसीना वगैरह पड़ जाएगा, बाद में नहाऊंगी, सिर धोऊंगी बाद में, और दोबारा नहाना तो हो ही जाता है फिर पसीना पड़ता है, तो एक बार तो फटाफट से नहा ली, पूजा करनी है तो नहाने पड़ते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि वॉक भी करने गई थी तो ऊपर से फिर पसीना वगैरह ये सब। तो मैं पूरी बना लेती हूँ पहले, और फिर मिलती हूँ आपसे। मैं बालक तू माता शेरवाली, अभी तो ना आएगा तो नहीं, प्रसाद खा लेते हैं। सबने खा लिया था और थोड़ा सा प्रसाद मैंने भी खाया था, पूरी नहीं खाई थी मैंने। और क्या कहते हैं, ये पापा के लिए बन रहा है गरम गरम, क्योंकि पूरी है फिर ठंडी वो अच्छी नहीं लगती, और पापा थोड़ा लेट खाते हैं, 10 बज चुके हैं इस टाइम पे, तो अभी मैं बना रही हूँ ये। तुम एक प्लेट साहिबा ले जाएगी और एक ये सोम ले जाएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स जल्दी उठ गई थी आज, तो बहुत ज्यादा नींद आ गई, और मैं और सोम लेट गए थे मतलब, और नींद पड़ गई हमें बहुत ज्यादा, और आज हस्बैंड ऑफिस गए हैं ना, तो अब मेरे को ज्यादा देर सो गई थी, तो वो उठा देते कि चाय वाय बना जो कुछ है, और लेट हो गए हम 4:45 हो गए। फिर उसके बाद पापा को भी चाय थी, पापा वेट कर रहे होंगे चाय के लिए, और मेरे कपड़े फोल्ड करने को रखे थे मैंने कहा था सुबह, तो मेरे कपड़े अभी तक फोल्ड नहीं हो रहे, अभी देखो, और 5:30 हो रहा है, मुझे खाना बनाना है, और बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, और इतनी ज्यादा थकावट हो रही थी 2 दिन से, कल भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी मैं बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट गई थी और उसके बाद फिर मतलब ऐसे पेन हो रहा था, मेरे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था यहाँ बैक में, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था मुझको। फिर सो तो गई, फिर उठ भी गई सुबह, फिर वॉक वगैरह किया, तो बस उसी चक्कर में मैं उसके बाद मैं जैसे सफाई वगैरह करके हटी हूँ, अपना बाकी सामान उठा के मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ नहीं हुए मुझसे, और मैं दोपहर का लंच बना के देन फिर खा के देन फिर लेट गए मैं और सोहम, साहिबा नहीं लेटी थी, तो बस इनको अभी होमवर्क करवाना था, और बाद में इनको थोड़ा सा सफाई के लिए बाहर लगाया डाइनिंग टेबल वगैरह पे, और मैं अभी कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, मुझे आधे घंटे में ये कपड़े फटाफट से समेटने हैं, ताकि मैं 6 बजे किचन में जा सकूँ और खाना बना सकूँ। और देखती हूँ आज खाने में क्या बनाना है, सोच रही हूँ कोफ्ता बनाऊँ, पापा को भी पसंद है कोफ्ते, वो सोच रही हूँ बनाने का, उसमें टाइम भी लगता है, तो चलिए देखते कैसा रहता है। आधे घंटे में अगर मैं कर लेती हूँ इस काम को, सबसे पहले मुझे अपने बाल बांधने हैं, तो
आधे घंटे में हो जाता है, तो कोफ्ते बनेंगे नहीं तो फिर लौकी सिंपल बनेगी। चलिए स्टार्ट। दोनों लावांगे कर इंतजार डार्लिंग, तमिल तेरा यार परुगा। गाने सुनते सुनते काम करने का मजा आ जाता है। देखिए सोम ने कितना अच्छा बनाया रावण का क्राफ्ट, कहाँ से देखा आपने? मम्मा की यूट्यूबर एक दोस्त है, उनसे मैंने देखा था। हाँ, चैनल का नाम हैरी हैरी नागरा है ना, हैरी नागरा। हाँ देख कर देना मेरे पास इसके लिए क्राफ्ट के लिए। देख बताओ, अब वो सर भी खुश हो जाएंगे। देखो सेलिब्रेटिंग द डेथ ऑफ रावण, देखो। अरे वाह, बहुत अच्छा बनाया सोम ने, कितनी देर लगा के बनाया है ना। थैंक यू सर, थैंक यू टू साइबर टू, उसने मुझे क्राफ्ट की चीजें दे दी। हाँ। तो देखिए सर, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो देखो मेरे बेटे ने बनाया है क्राफ्ट। मैंने पूरा सेम नहीं बनाया पर अच्छा था आइडिया। हाँ आइडिया अच्छा था, कुछ सामान नहीं था हमारे पास लेकिन फिर भी बन गया हमारा है ना। बहुत अच्छा बनाया आपने। तो फ्रेंड्स दाल मैं बना रही हूँ, मूंग की दाल और साथ में कोफ्ते हो जाएंगे। कोफ्ते ड्राई वाले ग्रेवी वाले बना कर रहे हैं खाने के लिए। अभी हस्बैंड से मैंने पूछा था, आ रहे हैं वो अभी। क्या टाइम हो रहा है? 7:15 हो गए हैं और मैं लेट ही हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, 8:30-9 बजे तक ही खाना खाते हैं पापा भी। और क्या कहते हैं, बच्चे दोनों पापा के पास नीचे बैठे हुए हैं और पापा उनको समझा रहे हैं, तुम अब बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी को संभालना सीखो। सोम को बोल रहे तो बड़ा है घर में, तो अच्छा लगता है जब बड़े घर में होते हैं, बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं ना। हाँ तो मैं कह रही थी जैसे बड़े लोग घर पे होते हैं जैसे दादा दादी वगैरह, तो बहुत अच्छी अच्छी वो चीज़ें बताते हैं हमें। जैसे हमारी दादी थी, हम उनके पास शाम को बैठते थे, बहुत अच्छी बातें बताते थे। मतलब वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा सही होती है बच्चों के लिए, बड़ों का होना बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है घर में। हाँ साहिब, क्या बोला? नहीं नहीं बोला मैंने। वो चिल्ला रहे हो पड़ोसी? मैं नहीं चिल्ला रही, मैं कब चिल्ला, मैं तो ब्लॉक कर रही हूँ। जाओ, क्या हुआ? दे दिए पापा को जलजीरा? सोम ने जलजीरा बनाया था पापा। मुझे बहुत अच्छे स्टेप सुनाया। क्या क्या सुनाया? कि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे सारे काम करने चाहिए, दूसरों पे बड़े नहीं डालना चाहिए, कि अकेले स्टोर पे जाना चाहिए। अच्छा अच्छा है ना। और आपको क्या समझाया? क्योंकि मैं बड़ा हूं, मुझे दीदी बना रहे थे। दीदी बना रहे थे, दीदी को करना चाहिए सारा काम। पापा कह रहे थे साई बाब बड़ी हो गई है तो तू दीदी बन गई है। तो मैं भी यही कह रही थी। यहाँ पे लाइट की पता नहीं क्यों सोम यार, यहाँ पे लाइट बहुत कम आती है इस टाइम। थे देखती हूँ एक मिनट। हाँ तो मैं सोच रही हूँ, पता नहीं क्या यार लाइट का इशू हो जाता है इस टाइम पे। अगर रात को बनाऊ ना मैं वीडियो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है शाम के टाइम। दिन में अच्छी लाइटिंग आती है यहाँ पे। तो फोन मुझे लेना है नया, पता नहीं कब मिलेगा। पता नहीं, वो टारगेट तक अभी पहुंची नहीं हूँ। मुझे फोन फोन चाहिए मेरे को बस, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो टारगेट मैं पूरा करूँ तब मैं फोन लूंगी, मैं जिद भी नहीं करूंगी। और क्या कहते हैं, हाँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी। और ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ, हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए, सबसे ज़्यादा जो स्मॉल यूट्यूबर हैं मेरी तरह, स्मॉल बिग कुछ भी नहीं होता वैसे तो, लेकिन मतलब अभी जैसे स्टार्टिंग है हमारी जर्नी, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, नहीं भी होते हैं, और जो होते हैं जैसे इंस्टा पे फॉलो आप जब भी करो तो बहुत सोच समझ के कीजिए। क्योंकि इंस्टा पे ना मैंने ये दो बार नोटिस किया, दो बार नाम मुझे याद नहीं है, मुस्लिम नेम थे, तो दोनों बार उनके ना कॉल आए इंस्टा पे, वीडियो कॉल, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया और रिसीव करना भी नहीं चाहिए। अगर आप इंस्टा पे कोई आपको फॉलो करता है जो कुछ करता है तो मतलब हम उनके बारे में जानते थोड़ी हैं, जिनके बारे में जानते हैं हम उनसे नहीं वीडियो कॉल पे बात करते तो तुम लोगों से क्यों करेंगे बात, ठीक है ना।
हाँ कोई आपको पर्सनल इंक्वायरी करनी है जो कुछ है, जैसे आपको कुछ कोई मैसेज है, जैसे आप ब्लॉग देखते हो उनके देखते हो या वो हमारे देखते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वीडियो कॉल वगैरह नहीं करना चाहिए। और अगर वीडियो कॉल करने वाला मुझे सुन भी रहा है इस टाइम पे, तो मैं उनको भी बोल देती हूँ कि ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हम सब बच्चे तो नहीं हैं यहाँ पे बैठे हुए, हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो बिल्कुल अपना सोच समझ के आए हैं कि आप कुछ भी करोगे, वीडियो कॉल करोगे, जो कुछ करोगे तो हम लोग रिसीव कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ, और मैं अपने साथ के सभी फ्रेंड्स के साथ अपने भाई बहनों को बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी वीडियो कॉल रिसीव ना कीजिए। और ये कुत्ता अभी भौंकने लग जाता है, जब मैं काम कर रही हूँ ना तब, ये पहले हुआ था एक बार, तो ना कीजिए, क्योंकि बहुत 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 बड़ा फ्रॉड कंपनीज चल रही हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लिटरली वो मतलब प्रोफेशनल हो चुके हैं इस काम के लिए। वो बिल्कुल भी मतलब मैंने फ्लाइंग विस्ट का देखती हूँ, उसमें एक फ्रॉड हुआ था, तो उन्होंने भी मुझे जब मैंने सुना तो उनको, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको कोई वीडियो कॉल करता है अननोन पर्सन, तो उसको बिल्कुल भी रिसीव मत कीजिए। जैसे ही आप वीडियो कॉल करेंगे, आपके सामने न्यूट होगा कोई बंदा, और उसके बाद वो आपको, जैसे आप कॉल करोगे आप एकदम से बंद कर दोगे, देन वो तो सेव कर लेगा उसको कि नहीं आप कर रहे हो उससे बात, देन वो आपको ब्लैकमेल करने लग जाएगा, और बहुत आगे बातें हो जाती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। सावधान रहिए, सावधान, बिल्कुल सावधान रहिए। आप सोशल मीडिया पे हैं, ये मत सोचिए कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अपनी इमेज का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अपना खुद का ध्यान रखिए। ये काम मतलब बिल्कुल सोच समझ के कॉल रिसीव करने का काम मत कीजिए, अगर करूँ तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के कॉल रिसीव कीजिएगा। मतलब कहीं से भी आपको अगर ऐसे कॉल आता है तो प्लीज वीडियो कॉल तो बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के रिसीव कीजिए। सावधान रहिए, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और अपनी वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत प्यार देने के लिए, बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए मेरे सारे दोस्तों का, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो देखते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं। और गुड नाइट, बाय बाय।